नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज कुछ गहरी चर्चा करेंगे महिलाओं के लिए, पीरियड्स के टाइम पे हीलिंग लें या नहीं, दें या नहीं, शक्तिपात लें या नहीं लें, इस सारी बातों को आज गहरे से हम समझेंगे, क्योंकि ये बहुत गहरी चर्चा है। क्योंकि पुरुषों को तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने जब मन किया शक्तिपात ले लिया, जब मन किया उन्होंने दे दिया, हीलिंग ले लिया, छोड़ दिया, सब हो गया। लेकिन महिलाओं के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है, तो अब हम समझेंगे शक्तिपात लेना चाहिए या नहीं। शक्तिपात बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, लेकिन शक्तिपात लेने के लिए मैं मना करता हूँ, मैं मना करूँगा आपको, करता हूँ क्या, मैं मना करूँगा, क्योंकि उस समय कई तरह का तकलीफ होता है, पेन होता है, कमर में दर्द, सिर में दर्द, मूड स्विंग होता है बहुत लोगों का। तो उस समय शक्तिपात को अवॉइड करें, क्योंकि वैसे ही आप तकलीफ में हो, है ना। रेकी हीलिंग ले सकते हैं, दे सकते हैं, क्यों? सबसे पहले आप एक बात समझना, हमारी परंपराओं में ऐसा कभी भी नहीं था कि पीरियड्स के टाइम पे आप नहीं जा सकते पूजन स्थल पर, या भगवान की पूजा नहीं कर सकते, या किचन में नहीं आ सकते, अछूतों की तरह रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। ये ना समय के साथ साथ बदलता गया, मतलब कि एक दूसरे के माउथ टू माउथ कन्वर्सेशन में गलतियां होने लगी, और फिर पीरियड्स वाली फीमेल को अछूतों की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया गया। ये कुछ ऐसा था हमेशा से कि एक महिला जिसको अभी पीरियड्स आए हुए हैं, मासिक धर्म आए हुए हैं, वो स्वयं देवी स्वरूप है, जननी स्वरूप है, जो जन्म देने के लिए तैयार है, संसार को जन्म देने के लिए तैयार है, तो वो खुद पूजनीय है, तो उसे किसी और की पूजा नहीं करनी है। भगवान राम, कृष्ण, जीसस, अल्लाह, मसीह, सब जो इन्होंने भी यहाँ जन्म लिया, किसी न किसी माँ के पेट से जन्म लिया है, और अगर उन्हें वो पीरियड्स नहीं आते तो वो जन्म नहीं लेते। तो ये जो जननी है उनको किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं पूजनीय है, और उस समय वो सेवा के लिए है, उसकी सेवा होनी चाहिए। तो किचन में उनको नहीं जाना है, सब उनके लिए काम करेंगे, पूरा परिवार उनके लिए काम करेगा, सब उनकी सेवा करेंगे, उनको आराम दिया जाएगा, आराम से वो लेट के सेवा कराएंगी, और उनको हर तरह के सुख दिए जाएं, और ये सुख देने से अपने परिवार की महिलाओं को, ये सुख देने से घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, ये जान लीजिए, बहुत ज़्यादा बरकत होती है, क्योंकि आपके सारे ग्रह आपसे संतुष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जननी संतुष्ट हुई है। तो अब कुछ ऐसी बातें हैं जो पीरियड्स के टाइम पे नहीं करनी चाहिए, वो ये कि पहले 4-5 दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बहुत सारे सभ्यताओं में आज भी हमारे देश में ऐसा है कि पीरियड्स आते ही पहले ही दिन बाल धोएंगे, जबकि उल्टा है, पहले 4-5 दिन तो बाल धोना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्ट है, हृदय है, उससे धमनियां जो निकली होती हैं, जो वॉल्स निकले होते हैं, दो धमनियां आने के लिए, पूरे शरीर से खून वापस हार्ट तक आने के लिए, और दो धमनियां पूरे शरीर में खून जाने के लिए होती है। तो जैसे ही रक्त कहीं से भी शरीर कट रहा है, कहीं से भी कोई कट गया, कहीं से जैसे नाक से खून निकल रहा है गर्मी के मौसम में, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़े, तो सिर में पानी डालते हैं, पानी डालने से वो खून का बहाव रुक जाता है, स्क्वीज़ हो जाता है, खिंच जाता है, वापस आ जाता है। तो हमारा हृदय कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, जैसे सिर पे हम डालेंगे तो वो खून को जो भेज रहा है सारी धमनियों में उसको रोक देगा, सो खींच लेगा। ये मैसेज है कि जैसे ये ठंडा हो रहा है खून बहना बंद हो जाए। बेटा जैसे कि एक होता है ना कि कोई एक्सीडेंट हुआ और आपके सिर पे आप बेहोशी होना, जब तक खून बहेगा तब तक आप बेहोश नहीं होंगे। जैसे बेहोशी आना शुरू हुई, जैसे ये ठंडा होना शुरू हुआ, आपका हृदय को, आपका हृदय आपके बॉडी में मैसेज देगा कि खून नहीं बहना है, तो वो रोक लेगा। तो जैसे ही हम इसमें पानी डालते हैं, जो नीचे हमारा जो सिस्टम है महिलाओं का,
सिस्टम से जो खून बाहर निकल रहा है, जो वेस्टेज ब्लड बाहर निकल रहा है, वो रुक जाएगा। और अगर वो रुक गया तो रुका हुआ खून कहीं ना कहीं तो जाके ख़राब करेगा, कहीं ना कहीं बीमारियों को जन्म देगा। तो शरीर को बीमारी से बचाने के लिए आपको पहले 4-5 दिन बिल्कुल बाल नहीं धोने चाहिए, और उस खून के बहाव को पूरे होने के बाद ही आपको सिर धोकर के अच्छे से नहाना चाहिए। दूसरी बात, पीरियड्स के टाइम पे हमें ये बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा होता है। तो कोशिश करें, मूड स्विंग हो रहा है आपका तो ज़्यादा तला भुना चीज़ ना खाएं। मिल्क प्रोडक्ट आप खा सकते हैं, चॉकलेट्स खा सकते हैं, दूध चाय दही वगैरह ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो क्रेविंग हो रही है, फॉल्स क्रेविंग हो रही है, चटपटा एक बहुत सारी चीज़ों को खाने की, उस पर कंट्रोल करें, क्योंकि ये आपकी परीक्षा है। ये आपको आपकी ऊर्जा को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आने की परीक्षा है। तो अगर आप अपने आप को उस समय कंट्रोल कर पाते हैं तो आप ऊपर की तरफ अपनी शक्तियों को लेकर जा रहे हैं, और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो नीचे की तरफ अपनी ऊर्जा को लेकर के जा रहे हैं। शक्तिपात के लिए जैसा कि मैंने कहा, मत लीजिए और ना ही दीजिए, क्योंकि अभी आप शारीरिक रूप से बहुत कुछ सह रहे हो, तो उस सहनशीलता को आराम करके ही बिताएं। पीरियड्स से जुड़े बहुत सारी बातें हैं जो आपको सीखने सिखाने को मिलेंगी अपनी दादी नानियों के द्वारा, उन्हें फॉलो करें और अपनी साधना पर ध्यान दें। मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं तो पीरियड्स के टाइम मैं, हमारे गुरुओं ने हमें यही सिखाया कि किसी भी महिला को, किसी भी लेडीज़ को मत रोकना। हमारे रेकी हीलिंग में, लामा फेरा में, एंजल हीलिंग में कभी भी किसी पीरियड्स के टाइम पे नहीं रोका गया है कि आप नहीं करेंगे, आप बिल्कुल करिए, क्योंकि आप हीलिंग दे रहे हैं किसी को, ये अपने आप में आशीर्वाद देना है। तो जो देवी स्वरूपा स्वयं जब आपके अंदर उतरी हुई है, उस समय आप किसी को हीलिंग देंगे तो ज़्यादा फलेगा, किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो ज़्यादा फलेगा। बहुत सारी महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन होता है, दर्द होता है, या पीरियड्स बहुत लंबे समय तक चलते हैं, तो उन्हें अपने सैक्रल चक्र को, स्वादिष्ठान चक्र को, जो कि नाभि से 2-3 उंगली नीचे होता है, उसे हील करना चाहिए। मुद्रा बना करके हील करें, सिंबल्स बना करके हील करें, या सीधे हाथ रख कर हील करें, कोई भी तरीका हो सकता है हील करने का, इसे हील ज़रूर करें। हील करने से अगले महीने वो तकलीफ़ नहीं होगी, डेफिनेटली। इस महीने अगर आपके पास उतना आपकी प्रैक्टिस है तो आप तुरंत हील करके अपनी तकलीफ को कम कर सकते हैं, या आप किसी हीलर से हीलिंग करा करके वो तकलीफ़ कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आज से ही आपने हीलिंग करनी शुरू कर दी तो अगले महीने वो पूरा का पूरा साइकिल बहुत अच्छे से गुजरेगा। पीरियड्स का आना और पीरियड्स का जाना दोनों ही बहुत आराम से, बहुत सही तरीके से गुजरेगा। ठीक है जी, तो मासिक धर्म को लेकर के जो इतनी सारी भ्रांतियाँ थी वो मेरे ख्याल से अब समाप्त हुई होंगी, आप हीलिंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।